कर्नाटक विधानसभा की 224 सीटों पर जनता अपना फैसला ईवीएम मशीनों में कैद कर चुकी है। इसके नतीजे 13 मई को आने वाले हैं और इससे पहले कर्नाटक के एग्जिट पोल के नतीजे सामने आए। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि प्रदेश में कौन सी पार्टी सत्ता में आ सकती है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी फिर से राज्य में राज करने की उम्मीद कर रही है, तो वहीं कांग्रेस वापसी की आस में है। एग्जिट पोल्स के आंकड़ों में ज्यादातर कांग्रेस और बीजेपी के बीच कड़ी टक्कर होती दिख रही है। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी तो बन रही है, लेकिन बहुमत के आंकड़े से दूर है। हालांकि दो एग्जिट पोल्स ऐसे हैं जिसमें बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है। ये दो पोल CGS और जन की बात सर्वे हैं। इन दोनों में ही कांग्रेस दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है, जबकि बीजेपी की सरकार बनने के आसार है। CGS एग्जिट पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को 114 सीटें मिलने के आसार है, जबकि कांग्रेस को 86 सीटें मिल सकती है। पोल में JDS को 21 और अन्य को 3 सीटें दी गई है। कर्नाटक में बहुमत का आंकड़ा 113 है और बीजेपी को 114 सीटें मिलने की उम्मीद है। इस लिहाज से बीजेपी के लिए ये राहत की खबर है, वो कर्नाटक में अपनी सरकार को बरकरार रख सकती है। उधर जन की बात, एग्जिट पोल में भी बीजेपी को बहुमत मिलता दिख रहा है। बीजेपी को यहां 94 से 117 सीटें मिल सकती है, कांग्रेस को 91 से 106 सीटें, JDS को 14 से 24 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि अन्य को 0 से 2 सीटें मिलने के आसार है। आपको बता दें कि कर्नाटक में 224 विधानसभा सीटों पर 2615 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला बुधवार को वोटरों ने कर दिया। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान के बढ़े प्रतिशत ने मुकाबले को कड़ा कर दिया। कर्नाटक में करीब 5,31,00,000 मतदाता हैं और 58,545 पोलिंग स्टेशन पर वोटिंग हुई। इसमें 42,48,000 वोटरों ने पहली बार वोट डाले। ऐसे में पहली बार के वोटर और महिलाओं का झुकाव भी निर्णायक साबित हो सकता है। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताजा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।